नारद जी श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब नारद जी ने तीनों लोकों में राधा की स्तुति सुनी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि राधा में ऐसा क्या है जो पूरे जगत में उसकी स्तुति हो रही है। इसका उत्तर पाने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के सर में बहुत अधिक दर्द हो रहा था। जब नारद जी ने उस दर्द का उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का धोया हुआ पानी मुझे पिला दे तो मेरा दर्द कम हो जाएगा। नारद जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरणों का जल पिलाएगा तो वह तो नरक में चला जाएगा। उसके बाद नारद जी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। रुक्मणी ने जल देने से मना कर दिया और कहा, नारद जी यह तो घोर पाप है, मैं अपने चरणों का जल नहीं दे सकती। इसके बाद नारद जी सीधे राधा के पास पहुँचे और राधा को भी नारद ने पूरा हाल सुनाया। राधा ने सुनते ही एक पात्र में पानी लिया और उसमें अपने पैर डुबो दिए। फिर उस पानी को एक छोटे पात्र में भरकर नारद जी को दिया और बोली, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाओ। मैं जानती हूँ ये घोर पाप है जो मुझे मिलेगा, परंतु अपने प्रिय के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं उससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। अब नारद जी को समझ आ चुका था कि क्यों राधा की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। नारद जी को ज्ञात हो गया श्री कृष्ण और राधा का प्रेम क्यों इतना प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था।